क्या पूरा मामला है, क्या पाया गया? शासन का आदेश है कि सभी तहसीलों में जो भी गैर मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका एक बार सर्वे कर लिया जाए। 11 बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये फुआरा चौक और अजंता चौक के बीच में एक मदरसा था, उसके सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और ABSA शामली भी साथ हैं। तो क्या पाया गया सर इसमें? 11 बिंदुओं पर जांच की गई है। देखा गया था कि इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन मदरसा बोर्ड से ये मदरसा रजिस्टर नहीं है। लगभग 80 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। दीनी तालीम जो मजहबी शिक्षा है वो यहाँ पे दी जाती है। 5 या 6 टीचर हैं, उन्हीं के जो भी दस्तावेज थे वही सारी चीज़ें। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर जो रजिस्टर्ड नहीं है? ये जो भी रिपोर्ट है, क्योंकि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर है, जो भी फैक्चुअल जानकारी यहाँ से इकट्ठी की गई वो जानकारी लेके जिलाधिकारी महोदय को वो रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो आगे जाके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जाएगी। क्या NCERT की बुकें मिली छात्रों के पास? NCERT की कोई बुक छात्रों के पास? अच्छा सर, जो भी किताबें मिली हैं वो सब मजहबी शिक्षा की किताबें। जो सर ये बच्चे हैं, 80 बच्चे आप बता रहे हैं, ये कहाँ कहाँ के रहने वाले? ये पूरे शामली में अलग अलग जगहों से हैं। जैसे कैराना से भी यहाँ कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ बाबरी से कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पुराना से पढ़ रहे हैं, शामली शहर कस्बे से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर जगह के बच्चे नहीं थे, पूरे शामली से बच्चे मिले हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे मथुरा से भी आए हुए हैं, खंद्रावली कैराना से। तो ये अभियान जो चल रहा है कब तक चलेगा और कितने मदरसों के? ये हमें 30 सितंबर तक लगभग सारे मदरसों की जाँच करनी है, जितने भी हमारे तहसील क्षेत्र में हैं। लगभग 27 मदरसों की लिस्ट हमें यहाँ से मिली है। तो आज पहला मदरसा चेक किया, इसके बाद आगे और मदरसे। क्या जो मदरसों में मजहबी शिक्षा देना ही ठीक है? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये लेकिन ये कहा गया है कि जितने भी मदरसे हैं वो मदरसा बोर्ड से जरूर रजिस्टर होने चाहिए। उनका कितनी भाषाएं हैं सिखाई जाती हैं सर? उर्दू ही हमें जो दिखी, हमने जब यहाँ पे देखा तो पता लगा कि उर्दू ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू।